सलाम वालेकुम, जैसे कहा जैसे मैं अमान पानी वाला। ये सीढ़ी, ये देखिए सीढ़ी, देख रहे हैं आपको एक एक चीज दिखाएंगे और लगा। ये देखो वो आ रहा है। सलाम वालेकुम, जैसे कहा जैसे मैं अमान पानी वाला, तो आज मैं काम करने जा रहा हूँ। काम तो मैंने किया हुआ है उसका, तो जो है अब फाइनल हाथ मारना है। तो मैंने सोचा यार आप लोगों को दिखा दूँ अपना काम, में किस तरीके से काम को। तो मजार का काम किया मैंने, कम से कम 40 फीट की तो उसकी गोलाई है, जो रिंग जो बना है वो, जो उसके ऊपर पूरी सीढ़ी ऐसे घूमेगी। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा अपना काम, कैसा टेक्निकल काम करते हैं हम। जिसने अमान पानी वाला ज्वाइन नहीं किया, फटाफट ज्वाइन करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ, क्योंकि यार मैंने काम वगैरह भी दिखाना, मैं क्या काम करता हूँ आपको। तो आपने मेरा पूरा काम देखना है, मजार का काम है। अब मैं शॉप पर भी आ गया, कारीगर भी आ गए मेरे, तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ। ठीक है, अब मजार की तरफ चलते हैं। तो यार फाइनली गाइस हम आ गए मजार में, जहाँ हमने बताया था आपको काम वगैरह करने के लिए। और यहाँ माशाल्लाह महफिल नात का, मिलाद का भी प्रोग्राम है, अभी तैयारी चल रही है। जैसे काम वाम चल रहा है और हमने अपना काम भी करना, और माशाल्लाह सेटअप देखे कैसा लग रहा है, तो लोग लगा रहे हैं देखे, तो फुल काम चल रहा है। तो अभी हम आ गए, हमने जो है मीनार का काम करना है। तो ये देखे अभी तो सेटअप लग रहा है, अभी हम आपको सेटअप दिखा दें, और जब सेटअप तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह जब भी दिखाएंगे, अभी आपको मीनार भी दिखाते हैं। तो ये हमने पॉलिश करनी है, और ये लगाई भी हमने पहले, पॉलिश हो चुकी है। ठीक है, अब नमाज भी पढ़नी है यार, अब नमाज का भी टाइम हो रहा है, हम नमाज पढ़ने भी जा रहे हैं। तो भाई ये सेटअप लगा रहे हैं, उतर आप लगा रहे हो सेटअप? जी सर। अच्छा, तो माशाल्लाह से सेटअप तो एंड लग रहा है आपका यार। तो आप कहाँ पर रहते हैं आप? यहाँ पर हम, यहाँ गेट पे चौकीदार है। चौकीदार है, अच्छा। ये सेटअप आप लगवा रहे हो कोई और लगवा रहे? मैं और राफी भाई। अच्छा राफी भाई और आप लगवा रहे हो, तो माशाल्लाह सेटअप तो अच्छा लग रहा है भाई। तो ये सेटअप वाले कहाँ के हैं? ये गुलशन जौहर के। गुलशन जौहर के हैं ये। तो सेटअप अगर लग जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा सेटअप, और हो सकता है मैं अकाउंट वकाउंट भी जो है इनका नंबर वगैरह भी मेंशन कर दूं, अगर आप लोग को लगवाना चाहे तो लगवा लेना। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं नमाज के लिए, नमाज का टाइम हो रहा है। नमाज पढ़ कर आने के बाद फिर अपडेट देते हैं काम की भी और सेटअप की भी। मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए अब हम। तो यार गाइज हमने नमाज पढ़ ली है, और नमाज पढ़ने के बाद फ्री हो गए, अब थोड़ा सामान वामान की सेटिंग करते हैं। सामान ऊपर ले आए हम, और कुछ तैयारी वगैरह भी जा रही है यहाँ पर। देखो मिलाद की मैंने आपको बताया था, फुल तैयारी, बहुत तेज़ी से तैयारी जा रही है। और ये देखें ये सीढ़ी जो पॉलिश करनी थी, ये पहले भी पॉलिश कर चुके थे, अब दोबारा यानी कि टचिंग करनी है। ये देखें अब एक बंदा उतार के देगा, फिर उसके बाद नीचे आएगी, इसकी गोलाई भी है 40 फीट लंबी गोलाई है, यानी कि गोलाई है 40 फीट। तो वो भी दिखाएंगे, अब काम करते हुए दिखाएंगे, और मिलाद कभी सेटअप दिखाएंगे। माशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त सेटअप लग रहा है। और मज़े की बात, देखिए मस्जिद भी है, मज़ार भी है, और स्कूल भी है यहाँ पर। मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगा। तो भाई गाइस हमने जो है सीढ़ी उतार ली है, बहुत मुश्किल से सीढ़ी उतारी है, क्योंकि यार उतारते हुए दिखाते कोई कैमरा मैन नहीं था, तो काम भी हमें ही करना है। और ये देखे सीढ़ी उतारी है, तो कम अज़ कम हम 3-4 बंदों से सीढ़ी उतरी है, और बहुत वजनी सीढ़ी थी, बहुत मुश्किल से, और एक बंदा तो ऊपर ही है। अब मैं जो है पॉलिश वगैरह भी करूंगा, सीढ़ी तो उतारने में कामयाब होगा, पॉलिश वगैरह करते हैं। और ये देखें ये गोलाई देखें, मैं आपको बोला 40 फीट लंबी गोलाई है, तो बहुत लंबी गोलाई है ये। ये देखें ब्रांच वगैरह भी बनी हुई है, क्योंकि ब्रांच के बगैर काम नहीं होता। तो अब जो है पॉलिश वगैरह भी करने जाएँ, आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे और लगाएंगे भी। भाई खाना आ चुका है, खाना ले आया उमेर, ये रुको, तो खाने का टाइम हो गया उमेर भाई, तब खाना वगैरह खाते हैं, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करके दिखाते हैं। गोलाई पॉलिश करनी है, फिर सीढ़ी नीचे उतारी है, वेल्डिंग वगैरह करनी है उसके बाद। और माशाल्लाह सेटअप भी लग रहा है, और सेटअप बहुत तेज़ी से जा रहा है, स्ट्रेट वगैरह लग रहा है। देखें काम, देखें ये देखें काम भी बहुत तेज़ी से जा रहा है, स्ट्रेट वगैरह भी तैयार हो गया। तो रात में इंशाल्लाह फुल सेटअप जो तैयार हो जाएगा वो दिखाऊँगा मैं आपको, बहुत तेज़ी से काम जा रहा है। लेकिन अब महफिल में मिला दें। तो भाई फाइनली गाइस मैंने तार वगैरह लगा लिया, और मशीन वगैरह जो है मैंने चाहिए, देखें ये देखें ये रही मशीन, बैग वेग से अब जो औजार वगैरह निकाल के काम स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पॉलिश कर रहा हूँ पहले, उसके बाद जो सीढ़ी रेडी करके दे रहे थे, फिर सीढ़ी भी पॉलिश करनी है मैंने। ये देखें ये पॉलिश करनी है, अंदर देख लें पहले, ये देखें देखें अंदर से करना है, अलग अंदर औजार जाएगा नहीं, फिर भी ये मैं, तुम्हें पता टेक्निकल बंदे हैं हम, और माशाल्लाह हर काम जानते हैं, कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकते। अब जब करने लगे
चार हजार सर मुझे लिखा हुआ, मैंने पढ़ा हुआ, मैंने उनकी व्हाट्सअप किया और खुद ने तो यार गाइस मैंने जो है अपने एक दोस्त को बुलाया था शोभी कराची को, वो उसकी कॉल आ गई, वो आने वाला है तो उसको जो है अपना सेटअप वगैरह दिखाना है। सही है, ये देखो वो आ रहा है, वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। ठीक है, इससे मिलवाना है मैंने। तो यार गाइस मैं काम कर रहा था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने बोला आप वही मुँह से पानी निकालते हैं, ये देखें बच्चे, देखें ये देखें, ये बच्चा बोला मुँह से पानी निकालते हो, तो काफ़ी लोग यार पहचान लेते हैं माशाल्लाह से। और शोभी कराची भी आ गया, ये देखो बच्चों की बॉल भी, यार बॉल ढूंढ रहे हैं आपकी, बॉल ढूंढ रहे हैं आपकी। ठीक है, तो आप व्लॉग में आ गए इंशाल्लाह, व्लॉग देखना आप। हाँ मैं वही हूँ जो मुँह से पानी निकालता हूँ, मैं वही हूँ। हाँ देखो बच्चों ने पहचान लिया माशाल्लाह, कहीं भी जाते हैं यार लोग पहचान लेते हैं यार। तो भाई यही काम है, और काम में शर्माते नहीं है, काम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यार, काफ़ी लोग पहचानते भी हैं अच्छी जगह भी, और कहीं भी जाते हैं माशाल्लाह काफ़ी लोग पहचान ही लेता, मास्क वगैरह तो लगाते नहीं है, तो वो काला पीला उसके बाद भी पहचान लिया। ये शुक्र है मेरे मालिक का, अल्लाह पाक का बड़ा करम है यार, एक पहचान बन गई है आप लोगों की वजह से। आप लोग यार इतना प्यार, इतनी सपोर्ट करते हैं आप लोग मुझे यार, मैं क्या बोलूँ यार, शुक्र थैंक यू यार आप लोगों के लिए। आप लोग इतना प्यार देते हो और मुझे पहचान लेते हैं, कहीं भी मैं जाता हूँ लोग यार काफ़ी यार लोग बोलते हैं यार आप वही मुँह से पानी निकालते हैं। तो गाइस देखें हम काम कर रहे थे, जहाज़ भी दिखा रहा है, एयरपोर्ट भी करीब है, ये देखें ये देखें ये देखें जहाज़ भी जा रहे हैं यहाँ तो यार, ये देखो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा मैं भी दुबई जाऊँगा इसके अंदर बैठ के, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएगा ऐसा एक दिन आएगा, जो भी एक दिन आएगा तो दुबई भी जाना होगा। दुबई वाला किससे मिलने जाऊंगा मैं, छोटे भाई बड़े भाई से मिलने, गंजा वाले। हाँ ये देखें कराची का नज़ारा देखें आप, बिल्डिंग देखें, कराची की हरियाली देखें, ये जो है गुलशन है, गुलशन की माशाल्लाह लोकेशन देखें आप, बस अब बोलना नहीं यार अमान भाई, आप तुम दिखाते नहीं हो कराची, देखो कितना प्यारा नज़ारा आप, ओह माय गॉड दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है तो यार फाइनली गाइस मैं आपको बता रहा था ना, देखे सीढ़ी भी पॉलिश करनी है, तो सीढ़ी पॉलिश करके दिखा रहे हैं। तो ये जो है देसी होता है, ये कटाई किसान होती है, तो ज़रा आप करीब लेकर आके देखे जोड़ दिखाते हैं, ये जोड़ दिखाओ, ये देखो ये जोड़ देख रहे हैं आप, देख अभी इस जोड़ पे जो है कटाई किसान मारूंगा, तो आप वहाँ जाके वीडियो बनाओ, देखो यहाँ से फिर जो करते हुए दिखाएं, ये देखें जोड़ पे, ये देखे पहले हमने लगाया सान पे, मसाला लगा लिया, मसाला लगाने के बाद देखे है ये। हम आपको पूरा जोड़ करके दिखाएंगे, जोड़ की कंडीशन भी दिखाऊंगा आपको, सही है। ये जो है हमने कटाई कर ली है, उसके बाद जो है आपको बफ लगाते हुए दिखाते हैं हम, ये पतला बफ है, सही है, और ये गुलाबी है, ये गुलाबी जो है पतले बफ के ये बफ है, ये देखा आप चमक देगा आप, आपके सामने ये देखा चमक देखें आप, आपके सामने ये देखें बफ दिखाएं, देख लिया अपना चमक गया है माशाल्लाह, ये वाला जोड़ देखें और ये वाला जोड़ देखें कितना फर्क आ रहा है। असल में मसला ये है मैं बफ जो है ना दूसरा भी लगा सकता था, पतला बफ लगाने की वजह ये होती है ये जड़ जड़ तक चले आई है, तो इसलिए जो है पतला बफ लगाया मैंने। अब जो आगे का काम भी आपको दिखाते हैं, सही है, थोड़ा काम स्टार्ट करते हैं। तो भाई गाइज हमने जो है काम वगैरह कम्प्लीट कर लिया है सीढ़ी का, ठीक है, सीढ़ी का काम यार बहुत मुश्किल से किया और गले में आ गया, हम मट्टी का तेल वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है, देखें मट्टी का तेल लग रहा है, ये देखें अब ये मट्टी का तेल जब लग जाता है ना
तो उसके बाद जो है हमने 10 से 15 मिनट या आधे घंटे एक घंटे छोड़ना होता है इसको, क्योंकि फिर ये पाउडर बन जाएगा। मिट्टी के तेल के अंदर चौक पाउडर मिला हुआ होता है, ये पाउडर बन जाएगा, उसके बाद जो है इसकी शाइन खुलेगी। तो लेकिन जो है अभी हमने साफ़ करना नहीं है, क्यों? क्योंकि 2-3 दिन बाद सीढ़ी लगेगी, ठीक है, तो वो खुद ही लगाते रहेंगे। अब हमारा काम तो हो गया कम्प्लीट, गोलाई भी पॉलिश कर दी थी और वो भी कर दिया, लेकिन नीचे का जीना पॉलिश करना वो भी आपको दिखाना हमने। तो ये देखें मिट्टी का तेल लगने के बाद देखें कैसी हो गई है, ये देखें। तो यार गाइस थोड़ा सा ऊपर रह गया था काम यार, तो भाई ने आके बताया, बोला थोड़ा सा काम रह गया। अब मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा था लेकिन तार में निकल के चिंगारी, अब क्या होगा यार, तार कैसे लगेगा, अब नीचे जाना पड़ेगा। ये देखें तार के अंदर चिंगारी निकली है, देखें तार दिखाता है हम आपको, ये देखें भजिया यार, करंट भी लग सकता था, कुछ हो भी सकता था यार, समझ में नहीं आया यार। देखो यार गाइस तार देखो कितना बड़ा छिला हुआ, और हम काम कर रहे हैं सुबह से, समझ में नहीं आ रहा यार। ये देखें, ये देख रहे हैं तार कितना बड़ा छिला हुआ है, अभी बच गया यार, करंट लग सकता था यार। ये देखें तार, देखें कितना बड़ा तार छिला हुआ है, तार की हालत देखो यार। अब ये तार सही कर रहा हूँ, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आता तार वार सही करना, तो इलेक्ट्रिशियन का भी काम थोड़ा बहुत कर लेते हैं अल्लाह के हुक्म से भाई। ये देखें अभी कुछ ना कुछ हो जाता है हमें, ये देखें तार देखें बस, तुम देख रहे तार कितना बड़ा छिला हुआ तार यार, अभी चिंगारी निकली है इसके अंदर से, पता है आपको। अब इसको सही करते हैं क्योंकि लेट होगा यार, बहुत ज़्यादा लेट होगा है काम में। देखिए कितना बड़ा छिला हुआ, और हाथ पैर देख कितने काले हो गए हमारे, ये भी काम का हिस्सा है, अल्लाह पाक ने बचाया हमें, शुक्र अल्लाह पाक का। यार बहुत परेशान हो गया मैं यार तार के चक्कर में, बड़ी मुश्किल से मैंने तार लगाया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार तार लग चुका था। और दूसरी चीज़, ये मशीन भी स्टार्ट हो गई हमारी और काम निपट गया, शुक्र मेरे मालिक का, अल्लाह पाक का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ कम है अल्लाह पाक का। यार बच गए हम, यकीन करो कि बच गए आज, नहीं तो आज कुछ ना कुछ हो जाता, करंट लग जाता, अल्लाह खैर करते यार। तो बस आप लोगों की दुआओं की वजह से, और काम वगैरह कैसा लगा आप लोगों को, अब हम जा रहे हैं घर, व्लॉग को करते हैं एंड। जिसने मान पानी वाला ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर व्लॉग अच्छा लगे, काम अच्छा लगा आपको हमारा, तो भाई आपने कमेंट में लाजमी बताना है। ओके अल्लाह हाफिज़।